हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपके जनधन योजना अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो करना होगा ये काम और तुरंत आ जाएंगे पैसे। तो सारी प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे कि क्या करने होंगे जिससे कि आपके जनधन योजना अकाउंट में 500 रुपये की राशि आएंगे 3 महीने तक। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे होगा क्या कि हमारी न्यू वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं, csedigitalsevakendra.in। जी हाँ, इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस वेबसाइट पे सीधे आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जनधन खाते में भेजेगी सरकार 500 रुपये, 20 करोड़ जनधन खातों में आएंगे पैसे। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे जनधन योजना अकाउंट है जिसके खाते में बैलेंस आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच गए जिसके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। तो पैसा जिसके खाते में नहीं आया उसे क्या करना होगा, चलिए हम पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाते हैं। तो हम लोग सिंपली नीचे स्क्रॉल करने के बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं मिला जनधन खाते में 500 रुपये तो करें ये काम। जी हाँ, अगर आपके जनधन योजना अकाउंट में अभी तक 500 रुपये की राशि नहीं गई है तो ये काम आपको करने होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है, कि अगर आपने काफी ज्यादा समय से अपने जनधन खाते में कोई भी लेन देन नहीं किया है तो ऐसे में आपका जनधन खाता बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए जनधन खाते में आने वाली राशि आपके खाते में बैंक खाते में नहीं पहुंची है। जी हाँ, अगर आपने काफी समय से जनधन खाते में कोई भी लेन देन जमा या निकासी नहीं किया है तो इस कारण आपका जो है अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करने होंगे, तो यहाँ पे फिर से आप लोग देख लीजिए कैसे आएंगे पैसे, समस्या का समाधान। जी हाँ, तो इस समस्या का समाधान क्या है वो आप लोग यहाँ पे नीचे में अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपको बैंक जाकर अपने जनधन खाते का केवाईसी प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। जी हाँ, आप बैंक जाएंगे और वहां पे केवाईसी फॉर्म लेके केवाईसी की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। उसके लिए आपको बैंक को लिखित रूप से एप्लीकेशन देनी होती है और अपने खाते को पुनः शुरू कराना होगा। तो आप लोग कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक खाते को केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट नंबर में आपका एक आधार कार्ड का कॉपी चाहिए, उसके बाद बैंक पासबुक का कॉपी चाहिए, तीसरे नंबर पे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि आपको बैंक द्वारा दे दिया जाएगा, उसके बाद उसमें आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। तो सिंपली आप इतना डॉक्यूमेंट लेके बैंक जाइएगा, बैंक में एक फॉर्म आपको मिलेगा, वहां से आप सारे डॉक्यूमेंट को उसमें फिलअप कर दीजिएगा और उसके बाद जो है बैंक मैनेजर के पास इस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। इससे होगा आपके अकाउंट का जो है केवाईसी हो जाएगा और आपका खाता पुनः रूप से चालू कर दिया जाएगा। जैसे आपका खाता चालू होगा आपके अकाउंट में जनधन योजना की राशि जो है, जो 3 महीने तक 500 रुपये मिलेगा, वो पैसा जो है आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो बस यही जानकारी हमें आप लोगों को देनी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।